प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज व्यंजन संधि का अगला पाठ पढ़ते हैं हम, जो दूसरा भाग है। कल पढ़ा था हमने स्तुत्व संधि पहला पाठ, और उसका दूसरा पाठ है स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि का सूत्र क्या है? उष्णा इष्टु क्या कहता है? यदि प्रथम पद के अंदर दंते से ते ते दे धे ने हो तथा दूसरे पद में मूर्धन्य से पे थे बे धे पे थे धे और निये हो तो ते व्रण को हो जाता है तथा दंते से को मूर्धन्य से हो जाता है। तो इष्टनाष्टु क्या कहता है? यदि प्रथम पद के अंत में दंते से हो और तैवरक हो तथा दूसरे पद में मूर्धन्य से और तैवरक का कोई अक्षर हो, तो प्रथम पद में जो तैवरक है वो किसमें बदल जाएगा? तैवरक में बदल जाएगा, और दंते से है वो मूर्धन्य से में बदल जाएगा। जैसे शॉर्ट फॉर्मूले के माध्यम से देखते हैं तो क्या हो जाता है? प्रथम पद में क्या मिलेगा? दंते से मिलेगा, और ते थे दे धे और ने हो तथा इसके बाद में मूर्धन्य से हो और टेवर का अक्षर हो, कोई टे ठे डे ढे और ये हो, तो क्या हो जाएगा? दंते से को मूर्धन्य से में बदल देंगे और टेवर को टेवर में ते ठे में आ जाएगा, टे ठे डे ढे और ये से ठे में बदल जाएगा, ठे ठे में दे डे में ढे और ने ये में बदल जाएगा। प्रथम पद इसमें परिवर्तन क्या होगा? तैवरक और दंते से में होगा। यदि तैवरक या दंते से दूसरे पद में भी हो तो भी परिवर्तन किसमें होगा? दंते से और तैवरक में परिवर्तन होगा। जैसे यदि प्रथम पद में मूर्धन्य से हो ते थे दे धे और ये हो तथा दूसरे पद में दंते से और तैवरक का अक्षर हो ते थे दे धे और ने हो, तो परिवर्तन क्या होगा? दूसरे पद में होगा। अर्थात कहने का भाव ये है कि परिवर्तन हमेशा दंते से और तैवरक में होगा, चाहे प्रथम पद में हो या दूसरे पद के पूर्व में। तो वही है कि दंते से किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य से में, और तैवरक है वो तैवरक में टे ठे डे ढे और ये। द्वितीय पद में यदि तैवरक या दंते से है तो हम परिवर्तन किस में करेंगे? द्वितीय पद में करेंगे। जैसे आगे हम उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे
तर्कदंड टीका। देखो प्रथम पद में क्या है, तैवर्ग है, उसके बाद में क्या है ते आ गया, तो तैवर्ग किसमें बदल जाएगा, ते में, तो ते और ते है, ते में बदल जाएगा, टीका है, क्या बन गया तट्टीका, क्या बन गया तट्टीका। धनुषन संकार है, प्रथम पद में क्या है दंते से है, उसके बाद में तैवर्ग का अक्षर है, तो कौन सी संधि हो गई, स्तुत्व संधि हो गई, दंते से किसमें बदल जाएगा, धने से में, तो क्या बन जाएगा धनुष टंकार है, क्या बन गया धनुष टंकार है। उसके बाद में रामधन टीकते, दंते से है टैबरेक है, तो दंते से वो किसमें बदल जाएगा, मुदने से में, राम में से टीकते, क्या बन गया रामस टीकते। अगला उदाहरण देखते हैं, पेशन ता, पेशन ता, तो अभी बताया था मैंने कि यदि तैवर्ग दूसरे पद में है तो परिवर्तन किसमें होगा, तैवर्ग में होगा, इधर तय किसमें है, दूसरे पद में है, तो पूर्व पद में देखेंगे हम कि मूर्धन्य से या तैवर्ग का कोई अक्षर है, तो तैवर्ग मूर्धन्य से है, तो तय किसमें बदल जाएगा, तय में, तो क्या बन जाएगा पेष्टा, क्या बन जाएगा पेष्टा। इसी प्रकार से जैसे कृष्ण ने, तो कृष्ण ने प्रथम पद में क्या है सैम धन्य है, उसके बाद में तैवर्ग का अक्षर है, ने किसमें बदल जाएगा, ने में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा कृष्ण है, क्या बन जाएगा कृष्ण है। ईशन तय है, वही तैवर्ग है, तय किसमें बदल जाएगा तय में, तो क्या बन जाएगा इष्ट है, क्या बन गया इष्ट है। तो ये थे स्तुत्व संधि के उदाहरण, क्लियर। अब आगे का भाग पढ़ते हैं हम, अगला भाग है जसत्व संधि, जसत्व संधि का सूत्र क्या है, जहां जसो अंते, जहां जसो अंते क्या कहता है कि जल वर्णों को क्या कर दूंगा मैं, जस कर दूंगा, जल जल वर्ण यानी जहां जसो अंते क्या कहता है, जल वर्णों को जस कर दूंगा, यदि प्रथम पद के अंत में जल हो तो जल वर्णों को जस हो जाता है। देखिए जल वर्ण में कौन कौन से आते हैं, जल वर्ण में आएगा वर्ग, पांच वर्ग है, वर्ग का पहला अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर, तो उसको क्या हो जाएगा जल जस हो जाएगा, जल को जस, जस यानी जे बे गे दे और दे, जल वर्णों को क्या हो जाएगा जस, जल वर्णों को जस होगा, कहने का भाव क्या है पर अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, उसको तृतीय अक्षर हो जाएगा। मुख्य रूप से हम देखते हैं तो क्या होता है, इसमें वर्ग का प्रथम अक्षर मिलता है, उसको किसमें बदल दो
दो, तृतीय अक्षर में बदल दो, जैसे दिख दन अंबर, क्या बन जाएगा? दी गए दिगंबर, क्या बन गया? दिगंबर है। दिख दन अम्र है, क्या बन गया? अपने वर्ग का तृतीय अक्षर। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं, सुख धन अंत है, सुख धन अंत है, पै आ रहा है, पै आ रहा है, तो क्या अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो अपने वर्ग का क्या हो जाएगा? तृतीय अक्षर उसको सुख, पै पै को क्या हो जाएगा? पै पै बे, क्या बन जाएगा? सुबह बे में एम मिल जाएगा पूरा, और अंत है, क्या बन गया? सुबंत है। इसी प्रकार से जगत धन ईश है, क्या है? जगत धन ईश है, ते व्रत है, ते को क्या बन जाएगा? अपने व्रत का तृतीय अक्षर जय है, ते इसमें बदल जाएगा, ते थे दे में बदल जाएगा, और ई की मात्रा एक जगदीश है, क्या बन गया? जगदीश है। इसी प्रकार जो प्रथम एक मुख्य पहचान गया, प्रथम अक्षर मिलेगा वर्ग को, वर्ग का प्रथम अक्षर मिलेगा उसको किसमें बदल देंगे? तृतीय अक्षर में। एक इसकी दूसरी विशेषता क्या होगी? क्योंकि जल वर्ण में क्या आ जाता है? जल में आता है वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर। यदि प्रथम पद के अंत में वर्ण का चौथा अक्षर हो, यानी वर्ण का चौथा अक्षर हो प्रथम पद के अंत में, और उसके बाद भी यदि वर्ण का चौथा अक्षर होना चाहिए, कोई भी वर्ग का क्या होना चाहिए? चौथा अक्षर है, तो भी कौन सी संधि होगी? वो जसत्व संधि होगी, और ये चौथा अक्षर है वर्ग का, वो किसमें बदला जाएगा? अपने वर्ग के तृतीय अक्षर में, किसमें बदला जाएगा? तृतीय अक्षर में। तो वो उदाहरण किसका होगा? जसत्व संधि का होगा, यानी तृतीय अक्षर का मतलब कोई ज ब ग ड द। परंतु इसकी शर्त क्या होगी? यदि वर्ग का चौथा अक्षर है और पद के दूसरे पद में भी चौथा अक्षर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, तो ही जसत्व संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो किसमें बदला जाएगा? चौथा अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदला जाएगा, जैसे शुद्ध धन थी, शुद्ध धन थी, धै आ रहा है और इधर भी धै आ रहा है, तो किसको बदल दो? धै को क्या बन जाएगा? सु धै, धै किसमें बदल जाएगा? तै धै धै में, और धी है ही अपने पास, क्या बन जाएगा? शुद्धि, क्या हो जाएगा? शुद्धि। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं, बुद्ध धन धी, तो धै इसमें बदल गया, चौथा अक्षर है और इधर भी चौथा अक्षर है, तो प्रथम चौथा अक्षर है वो किसमें बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, तो क्या बन जाएगा? तै धै में बदल गया, इधर क्या बचा? वो और इधर धी, तो क्या बन जाएगा? बुद्धि, क्या हो गया? बुद्धि। इसी प्रकार से लब धन धै है, लब धन धै है, देखो इधर है चौथा अक्षर है, तो इधर भी चौथा अक्षर है, तो प्रथम अक्षर है वो किसमें बदल जाएगा? प्रथम चौथा अक्षर है वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, तो क्या बन जाएगा? ले बे किसमें बदल गया? बे में, और धै है ये अपने पास, तो क्या बन जाएगा?
लब्ध है। तो इसी प्रकार से यदि चौथा अक्षर है पद के अंत में तो दूसरे पद में भी चौथा अक्षर होना चाहिए। तो प्रथम अक्षर है वो किसमें, सॉरी प्रथम पद के अंत में जो चौथा अक्षर है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। इस प्रकार से जसत्व शब्दि के दो नियम है छोटे छोटे। आशा करता हूं कि आज ये जसत्व संधि आपके समझ में आ गई होगी। यदि कोई संदेह है तो पुनः व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, पूछ लेना। आगे के भाग हैं वो हम क्या कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।